बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। शोभा यात्रा युवा मंडी से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर निकलती है और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि इस शोभा यात्रा समिति में सभी दलों के लोगों का समायोजन होता है, सारे शहर के जो प्रमुख समाजसेवी लोग हैं उनका समायोजन होता है और सब लोग बड़े भक्तिभावपूर्ण तरीके से इस शोभा यात्रा को संपन्न कराने में जुटते हैं। आज प्रतिवर्ष ये चुनाव भी होता है तो मैं सबका आभारी हूँ कि आज उन्होंने सभी लोगों ने मिलकर मुझे दशहरा शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष आज निर्वाचित किया है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस भावना के अनुरूप मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है उसे मैं पूरा करूँगा और जो शोभा यात्रा को और भव्य कैसे बने इस ओर भी हम ध्यान देंगे और चूंकि ये प्रेरणादायक शोभा यात्रा होती है और इसमें झांकियां रहती हैं, धार्मिक झांकियां रहती हैं, लोग धार्मिक झांकियों को देखकर अच्छे से है वो प्रभावित हों और धर्म के रास्ते पर चले और ऐसा संदेश इस शोभा यात्रा से भी जाता है। मैं शुभकामना देता हूँ सभी समिति के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्यों को कि आगे आने वाले शोभा यात्रा को और अच्छा हम बनाने में जुटे। आप सभी लोगों को जानकारी और आप लोग हमेशा कवरेज देते रहे दशहरा शोभा यात्रा आयोजन समिति क्योंकि मंदिर श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा निकाले है और ये शोभा यात्रा पिछले लगभग 400 वर्षों से मुगल कालीन शासकों के टाइम से निकलती हुई आ रही है। इसका भव्य स्वरूप धीरे धीरे बढ़ता चला गया। शुरू में कहते हैं शोभा यात्रा पहले भगवान श्री राम को कंधों पर बैठा के ले जाया करते थे, स्वरूपों को कंधों पर बैठा के ले जाया करते थे, फिर रिक्शे में, बैलगाड़ी में, फिर ट्रैक्टर पर, अब आधुनिक काल में जीप वगैरह में हमें शोभा यात्रा बड़े भव्य रूप से निकलने लगी है। इस शोभा यात्रा का सबसे बड़ा स्वरूप ये होता है कि भगवान राम और रावण की सेना आपस में युद्ध करते हुए पूरे रास्ते पर चलती है। ये किसी भी आपने आज तक किसी शोभा यात्रा में नहीं देखा होगा। ये शोभा यात्रा मंदिर श्री राम मंदिर के प्रांगण से स्टार्ट होकर शुरू होकर राजा मंडी स्टेशन से शुरू होती हुई लगातार लोह मंडी चौराया, लोह मंडी चौराहे से लोह मंडी लोह बाजार होती हुई राजा मंडी बाजार, राजा मंडी बाजार से एमजी रोड होती हुई सेंट जॉन्स पर जाकर रावण दहन होता है। तो मैं सभी आगरा वासियों से निवेदन करूंगा कि शोभा यात्रा का आनंद लें और रावण दहन कैसे होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत, उसको भी देखें।